तो दोस्तों, अगर आपको जो है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करना है तो अब आपको जो है इसके लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है। आप जो है घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल से ही। यहाँ पर जो है इसके लिए एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो किस तरह से आप जो है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे, किस तरह से आप जो है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और सारा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को अपने मोबाइल से दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर अपने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है इस वाले फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है ना। इस वाले फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आप जो है इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे होगा और ये वाला फॉर्म आपको जो है कहां से मिलेगा, सारा प्रोसेस आपको जो है मैं अपने मोबाइल से दिखाने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को यार बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो आपका गूगल क्रोम आपको सबसे पहले तो ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। मुझे एक्चुअली यहाँ पर क्रोम अपडेट का ऑप्शन आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। आप ये ऑप्शन ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट। तो आपको जो है इस वाले चेकबॉक्स को जो है चेकमार्क कर देना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर चेकमार्क कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा चेकमार्क हो चुका है, ठीक है ना। इसको आपको जो है ज़रूर से कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाना है, सर्च बॉक्स में आपको जो है सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपके पास में जो है IPV डोर स्टेप मोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। या तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर IPV सर्च करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या ये वाला जो लिंक है मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जो है वहाँ पर भी क्लिक करके डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर आपको जो है सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे की तरफ दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको जो एक ऑप्शन मिलता है आधार मोबाइल अपडेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। आप जो है इसको चेकमार्क कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से आप इसको टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलता है जैसे कि चाइल्ड एनरोलमेंट का। तो यहीं पर अगर आप जो है 0 से लेकर 5 साल तक के किसी भी बच्चे का नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन हम जो है आज इस वीडियो में मोबाइल अपडेट की बात कर रहे हैं तो हम जो है केवल आधार कार्ड में मोबाइल को अपडेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इसको टिक रहने देना है जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके चले जाना है। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना मिस्टर मिसेस या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। जो भी आपने आधार कार्ड आपका है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देंगे, जिसमें कि यहाँ पर आपको जो है आपका नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको आपका सरनेम लिख देना है और यहाँ पर आपको उस वाले मोबाइल नंबर को डालना है जो कि आप अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकेंड, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात आती है पिन कोड की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी एरिया का पोस्टल पिन कोड है उसको इंटर कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एरिया का पोस्टल पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी जिसमें कि लिंक, ब्रांच, डिविजन, रिलीजन, सर्कल, ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क कर देना है और यहाँ पर आपको जो है कैप्चा दिखाई दे रहा है। अगर ये कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो यहीं पर आपको जो है एक रिफ्रेश का बटन दिखाई देगा, आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कैप्चा अपडेट हो जाएगा। अब जो है आप इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है आप उसको यहाँ पर डाल देंगे।
उसके बाद यहीं पर आपको जो है सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है इस वाले फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लेना है और आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप इस वाले फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो आपने जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो डोर स्टेप मोड सर्विस है उसके अंतर्गत आपको जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो या ईमेल एड्रेस को अपडेट कराना हो, उसकी फैसिलिटी आपको जो है डोर स्टेप मोड में प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको किसी भी आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से आपको अपॉइंटमेंट बुक कराने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके घर पर आएगा और जिस किसी भी चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला है, जैसे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए डाला है, जैसे कि आपने छोटे बच्चों का नया आधार कार्ड बनाने के लिए डाला है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइल्ड आधार न्यू एनरोलमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आपने इसके लिए डाला है, तो जिस किसी भी चीज़ के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली है उसको आपके घर आकर 7 दिन के अंदर अंदर करके चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं होता है। अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी है कि अगर आपके घर पर पोस्ट ऑफिस का कोई भी व्यक्ति आएगा या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कोई भी एजेंट आएगा, तो वो यहाँ पर क्या चार्ज लेता है और किनका आधार यहाँ पर अपडेट करता है। तो दोस्तों किसी भी एज का आधार आप जो है यहाँ से अपडेट करा सकते हैं। उसके लिए आपको जो है 50 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पर उनको पे करना होता है, जो कि गवर्नमेंट रेट है, ठीक है ना। अगर आप किसी आधार सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपसे जो है ज़्यादा पैसा भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग ओनली 50 रुपीज़ का चार्ज आपको यहाँ पर पे करना होगा। अगर आपको न्यू आधार इनरोलमेंट करना है छोटे बच्चों का, तो वहाँ उसके लिए आपको जो है किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपको अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट कराना है, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पर जो है उनको देना रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। ये उसका प्रोसेस था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेजल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।